मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। एक नया इतिहास रच रही है। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली तो तीर्थ क्षेत्र के अर्थशास्त्र को नई ऊंचाई देने का काम शुरू किया। मोदी सरकार ने पिछले 9 साल के कार्यकाल में ऐसे कई तीर्थ क्षेत्रों का विकास किया है जिससे न केवल देश में पर्यटन को नई ताकत मिली है बल्कि सनातन संस्कृति के उत्थान से अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है। पिछले कुछ वर्षों में तीर्थ क्षेत्रों में विस्तार और सुविधाओं में बढ़ोतरी से भक्तों की संख्या या इतनी अधिक हो गई है कि अब पर्यटन से अतर हिंदू तीर्थ क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में एक अलग आर्थिक क्षेत्र भी बनता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को 500 साधु संतों और मंत्रोच्चार के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही काशी को उसके स्तर के मुताबिक बुनियादी ढांचा देने का ऐलान कर दिया। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया और 4 साल के रिकॉर्ड समय में ये कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया। वाराणसी से लोकसभा सांसद प्रधानमंत्री मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसके निर्माण में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। अब काशी विश्वनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों और तंग संकरी रास्तों से नहीं होकर गुजरना पड़ेगा। गंगा घाट से सीधे कॉरिडोर के रास्ते बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दशमी तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ, उसका वैभव विस्तार ले रहा है, इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण ने समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का काशी विश्वनाथ धाम अपने नए कलेवर में 2022 में एक साल पूरा किया। जहां कभी संकरी गलियां थी वो आज भव्य आकर्षण का केंद्र है। चाहे गंगा द्वार हो, विविंग गैलरी हो या फिर मंदिर चौक हो, हर तरफ भव्यता भक्तों को अपनी तरफ खींच रही है। इससे जहां शहर में समृद्धि आई वहीं मंदिर प्रशासन की आय में वृद्धि हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद पहले ही साल भक्तों ने 100 करोड़ रुपए से अधिक का दान किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बनने के एक साल के अंदर भक्तों ने नकदी के अलावा बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और तांबा भी चढ़ाया है। मंदिर प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते साल के मुकाबले 2022 में आय में 500% की बढ़ोतरी हुई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से वाराणसी आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ है। कॉरिडोर ने बाबा के दिव्य धाम काशी के पर्यटन व्यवसाय को निखारा है। धाम को विकसित करने की आगे और भी योजनाएं हैं। काशी में भक्तों की आवक बढ़ने से पर्यटन व्यवसाय बूम पर है। ये सब पीएम मोदी के विजन से ही संभव हो पाया है। भारत की अनोखी अर्थव्यवस्था सैकड़ों सालों से चली आ रही है और अब 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को प्राचीन वैभव वापस दिला रहे हैं।